मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालय में सीएम राइस स्कूल खुलवाए जाने का ऐलान किया गया। इसी के तहत जिले के सभी तहसील मुख्यालय में सीएम राइस स्कूल खोले जाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन लालबर्रा तहसील मुख्यालय से स्कूल का स्थान परिवर्तित करते हुए ग्राम पंचायत लेंडेछरी में स्कूल खुलवाए जाने के फैसले का लालबर्रा के स्थानीय जनों और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने जमकर एक स्वर में विरोध किया। लालबर्रा विकासखंड में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा को सीएम राइस स्कूल खोलने की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, जिसकी तैयारी भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा कर ली गई थी और उत्कृष्ट विद्यालय में क्षेत्र के पालकगणों ने अपने अपने बच्चों को अशासकीय विद्यालयों से विरोध कर टीसी निकालकर सीएम राइस स्कूल में प्रवेश दिलवाया गया था कि उत्कृष्ट स्कूल में संचालित सीएम राइस स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। किंतु अचानक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में खुलने वाले सीएम राइज स्कूल का स्थान परिवर्तित होकर लेंडेझरी में चले जाने की जानकारी लगने के बाद बच्चों के पालकगणों व जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 13 नवंबर को बच्चों के पालकगण व कांग्रेस के पदाधिकारियों ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य बीएल चौधरी व तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रभारी तहसीलदार संतोष चौधरी को जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर सीएम राइस स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा मुख्यालय में ही खोले जाने की मांग की है और एक सप्ताह के अंदर उत्कृष्ट स्कूल में सीएम राइस स्कूल घोषित नहीं किया जाता है तो आंदोलन, चक्काजाम व स्कूल में तालाबंदी एवं उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी शासन प्रशासन को दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी विशाल बिसेन, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मनीष कुशवाहा, बच्चों के परिजन ओपी बिसेन ने बताया कि सीएम राइस स्कूल के लिए उत्कृष्ट स्कूल का चयन किया गया था और सीएम राइस स्कूल बनेगा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का प्रवेश वहां दिलवाया है, किंतु राजनीतिक दबाव के चलते लेंडेझरी स्कूल का सीएम राइज स्कूल के लिए चयन किया गया है, जिससे पालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लालबर्रा मुख्यालय में ही सीएम राइज स्कूल खोले जाए, अगर लेंडेझरी में खोला जाता है तो आगामी समय में उग्र आंदोलन, चक्काजाम एवं क्षेत्रीय विधायक के निज निवास पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। एक्चुअली मामला ये है कि जो सीएम राइज योजना के अंतर्गत लालबर्रा का जो स्कूल है, लालबर्रा के स्कूल अपग्रेड होना था, परंतु जानकारी यह मिली कि यहाँ से स्कूल को शिफ्ट करके लेंडेझरी ले जाया जा रहा है। हमारा विषय यह है कि वो लेंडेझरी जाए, उससे हमें दिक्कत नहीं, पर हम लालबर्रा से सीएम राइज स्कूल को नहीं हटने देंगे किसी भी सूरत में। आपको यह बता दूं मैं कि लगभग पिछले कई महीनों से राज्य शासन द्वारा के निर्देश अनुसार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा लालबर्रा में सीएम राइज स्कूल खोला जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार काफ़ी गाँव में किया गया और इस कारण से लगभग 350 अभिभावकों ने अपने बच्चों को अन्य स्कूलों से टीसी कराकर यहाँ पर एडमिशन करा लिया और अब आज एडमिशन होने के बाद जब स्कूल चालू हो गए तो आज यह जानकारी दी जा रही है कि अभी स्कूल जो सीएम राइज है वो लालबर्रा में नहीं बनेगा, वो लेंडेझरी में बनेगा। तो ये सरासर जो है इन 350 परिवारों के साथ और बच्चों के साथ और भविष्य में जो हजारों बच्चे यहाँ सीएम राइज में एडमिशन ले पाते उनके साथ में धोखा है, अन्याय है। आज हमारे सभी साथी यहाँ पर, सभी पालक अभिभावक और लालबर्रा के प्रॉपर के काफ़ी हमारे प्रभुजन यहाँ पर हैं, हम सभी आज जो है यहाँ प्रधानाध्यापक से मिले, भेंट करें, उनसे चर्चा करके हमने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमारी बात को शासन तक के जिला स्तर तक पहुँचाएं और हम किसी भी सूरत में, हमने यह तय किया कि हम किसी भी कीमत में, चाहे उसके लिए कोई भी आंदोलन करना पड़े, किसी भी स्तर पर राज्य सरकार को जगाने के लिए जाना पड़े हम जाएंगे, पर लालबर्रा से हम सीएम राइस स्कूल को नहीं जाने देंगे। 2 महीना पहले जब हमें पता चला कोरोना काल से निकलने के बाद में कि लालबर्रा में सीएम राइस स्कूल खोला जाना है, तो पालकों में, लालबर्रा क्षेत्र के पालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी पालकों ने ये सोचा कि हम बच्चों को यदि सीएम राइस स्कूल में भेजते हैं तो प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर हमें सुविधा मिलेगी। इस हेतु सभी प्राइवेट स्कूल से अपने अपने बच्चों को आर्थिक कंडीशन से जूझते हुए भी पुरानी फीस जो 1.5 से 2 वर्ष की रुकी हुई थी उसको जमा करते हुए स्कूल में लाकर के बच्चों को छोड़ा। बाद में पता चला कि लालबर्रा का जो सीएम राइस स्कूल है वो लेंडेझरी स्थापित कर दिया गया। इस संबंध में सभी पालकों ने आज यहाँ हमारे प्राचार्य महोदय जो हैं सीएम राइस स्कूल से, जिन्हें घोषित किया गया था, उनसे जानकारी लिया तो पता चला कि यह स्कूल लेंडेझरी में चला गया है। अब पालकों की तरफ से हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि लालबर्रा के जितने संगठन हैं, जितने नौजवान युवा साथी हैं, उनका सहयोग लेंगे, सहारा लेंगे और मंगलवार या बुधवार को हम एक धरना देंगे।
अच्छा, जिसमें हमारे बच्चे भी साथ होंगे। जब तक सीएम राइस स्कूल लालबर्रा में नहीं आएगा हम आंदोलन को नहीं रोकेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात। आज लालबर्रा मुख्यालय का जो हाई स्कूल है, एक साला एक परिसर, पहली से लेकर बारहवीं तक की बच्चों को यहाँ पे एक साला एक परिसर के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। उसी तारतम्य में यहाँ पे लालबर्रा उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राइजिंग स्कूल घोषित किया गया था पूर्व में, जो कि षड्यंत्र पूर्वक पता चल रहा है कि यहाँ से लेंडेझरी ले जाया गया है। ये सरासर अन्याय है। पूरे पालकों के साथ इसका घोर विरोध किया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा पूरे पालकों के साथ। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, ये जो मुख्यालय की जो धरोहर है हमारा उत्कृष्ट विद्यालय, इसको और भव्य बनाया जाए और इसको राइजिंग स्कूल इसको घोषित किया जाए। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको कि उत्कृष्ट विद्यालय चयन होने के बाद इसको लेंडेझरी लेके चलेगा? ये षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक पूर्वक ये जो बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ और नगर के मुख्यालय के प्रबुद्ध जनों के साथ जो इस तरह का षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, एक यानी पहले लालबर्रा को घोषित किया जाना, उसके बाद यहाँ से उठ के लेंडेझरी किया जाना, ऐसे अन्य विकास खंडों में भी किया गया है। जिसकी सत्ता, जिसका शासन प्रशासन, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य अन्य विकास खंडों में भी किया गया है। मैं मांग करता हूँ सरकार से और शासन प्रशासन के लोगों से कि इस तरह का कृत्य बहुत गंदी राजनीति का परिचय है। वे मैं मांग करता हूँ ये नगर मुख्यालय में रहना चाहिए और नगर मुख्यालय में होगा। धन्यवाद। ग्राम पंचायत पांडरवानी के ग्राम प्रधान अनिस खान, बच्चों के परिजन दिनेश यादव, शिवलाल अजीत ने बताया कि लालबर्रा में सीएम राइज स्कूल खोले जाने से वे लोग बहुत ही खुश थे, किंतु अचानक लेंडेजरी में सीएम राइज स्कूल का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे सभी में आक्रोश व्याप्त है। शासन प्रशासन से मांग है कि लालबर्रा मुख्यालय में ही सीएम राइज स्कूल खोला जाए। ये लालबर्रा उत्कृष्ट विद्यालय में सीएम राइस विद्यालय खुलने वाला था, तो ये जानकारी लग रही कि यहाँ से कुछ अन्य जगह चले गया है। मुझे आज ही अभी ही थोड़ी देर पहले पता चला है कि लालबर्रा नगर मुख्यालय में जो खुलने वाला जो सीएम राइस स्कूल था, जो चूंकि मध्य प्रदेश शासन की ये एक योजना है कि हर ब्लॉक में एक होना चाहिए सीएम राइस स्कूल सर सुविधा वाला, जिसके तहत लालबर्रा में खोला जा रहा था, तो हमें हर्ष हुआ। लेकिन अभी जैसे जानकारी लग रही है कि लालबर्रा के इस सीएम राइस स्कूल को उठा के लालबर्रा से लगभग 25 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है, तो यह एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि लालबर्रा एक ऐसा हमारा ब्लॉक मुख्यालय है जहाँ पूरी 77 ग्राम पंचायत के लोग आते हैं, और यदि किसी जाम के बच्चे को या फिर आपका कंजे के बच्चों को, छात्रों को, या आजू बाजू के जितने भी एरिए किसी छात्रों को यदि पढ़ने में सुविधा होगी तो लालबर्रा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पास पड़ेगा और लालबर्रा जो है मुख्यालय ये बसों से जुड़ा हुआ है सीधे सीधे। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे उस स्थान की भी जानकारी तो नहीं लगी है, लेकिन इतना पता चला है कि शायद ये डुंगरिया लेंडेझरी साइड ले जाने की तैयारी में है। इस संबंध में जो है मैं माननीय विधायक महोदय जी से भी निवेदन करूंगा, श्री गौरीशंकर बिसेन जी से, कि यदि बाहर जा रहा है तो चूंकि आप क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। आपके बच्चे भी उत्कृष्ट विद्यालय पढ़ाई करते हैं? तो ये बताइए, सीएम राइस विद्यालय बनना था वहाँ पे, इसी उद्देश्य को लेकर आप लोगों ने बच्चों को एडमिशन करवाए थे, तो अभी जानकारी लग रही कि वहाँ पे सीएम राइस विद्यालय नहीं खुल रहा है? इस बारे में तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी जी, पहले आपको जानकारी कैसी क्या लगी? जानकारी ये लगी थी हमको कि मतलब सीएम राइस यहाँ पर खुल रही है, एडमिशन आप लोग करा दीजिए, हम उसी पर्पज से यहाँ पर अपने बच्चों का, एक नहीं दो बच्चियों को मैंने करवाया है। जी जी, क्या क्या सुविधाएँ रहती है उसमें शासन स्तर से? शासन स्तर से तो अभी उन लोगों को ज़्यादा कुछ अभी सुविधाएं नहीं दिया गया है, लेकिन अभी राशन वगैरह जो नहीं, सीएम राइस विद्यालय में जो अलग से तो रहती उसमें। हाँ जी, तो सीएम राइस में तो ऐसा था कि मतलब वैन की सुविधा होनी थी और पूरे बच्चों को मतलब जो जो शासन की सुविधाएं थी वो प्रदान किए जाने थे, तो इसको लेकर के हमने भी यहाँ एडमिशन करवाए थे। अब जैसे लालबर्रा मुख्यालय से 20 मिनट दूर लेंडेझरी लेके चले गए बोल रहे हैं, तो फिर किस तरह से परेशानी होगी अब पढ़ाई में? नहीं, हम लोगों को तो बहुत दिक्कत जाएगी ना, फिर अब कौन लेंडेझरी, अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना, फिर उनकी देख रेख करना, फिर सुबह से हम वैसे भी हम स्कूल पहुँचाते ही यहाँ पर, यहाँ नज़दीक हो जाता है और लेंडेझरी के लिए काफ़ी दिक्कत होगी हम लोगों को। अगर यहीं खुलता तो किस तरह सुविधाएँ मिलती? यहाँ के लिए तो सर्व सुविधा सभी के लिए, मतलब एक केंद्र बिंदु भी है लालबर्रा, और सभी आसपास के लोगों के लिए, हमारे लिए, सभी बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा। यानी यहीं खुलना था? हाँ जी। कहाँ कहाँ के बच्चे आ सकते थे यहाँ पर? यहाँ पर तो कंजी तक के बच्चे आ सकते थे। यानी लालबर्रा क्षेत्र का केंद्र बिंदु मुख्यालय, लालबर्रा मुख्य बिंदु यहीं भी खुलना था? जी। आपका नाम? शिवलाल। ये बताइए, सीएम राइस विद्यालय अपने लालबर्रा मुख्यालय में खुलने वाले थे, तो आपके बच्चे भी यहाँ अध्ययनरत करते हैं जी, तो
क्या है, यहाँ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? जानकारी लग रही है कि यहाँ पे सीएम राइज का तो हो चुका था, लेकिन अभी यहाँ पे यहाँ से कहीं और अन्य जगह में मतलब विद्यालय को ले जा लिया गया है सीएम राइज के अंतर्गत। तो इससे किस तरह से परेशानी आएगी? परेशानी होगी ना, क्योंकि क्या है मुख्यालय में अगर मान लो खुलता तो काफ़ी मतलब ग्राम के इस तरह के बच्चों का जो है पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से हो जाती, उनको लाभ मिल पाता, लेकिन इस वजह से अब जो ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी बच्चे जो है इससे वंचित हो जाएंगे। जैसे ये पता चल रहा है कि लेंडेजरी लेकर चले गए वो अंतिम छोर में पढ़ता है, और लालबरा मुख्यालय में सभी लोग विद्यालय कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं पढ़ने? यहाँ बच्चे आते हैं जाम से आते हैं, खैरगांव से आते हैं, मैं मोहगांव ग्राम मोहगांव का निवासी हूँ, मेरा बच्चा आता है यहाँ से, और भी मतलब जैसे भांडा मुरली हो गया इस साइड से बच्चे आते हैं, बहगांव साइड से बच्चे आते हैं। काफ़ी सीएम राइज के लिए स्थान सही था उसका स्थान मुख्यालय यही होना चाहिए, यही होना चाहिए मुख्यालय, लेकिन अब जानकारी ऐसी लग रही है कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यहाँ से अन्य जगह पे ले जाया जा रहा है। क्या मांग करेंगे आप फसल? मांग करना पड़ेगा, हमें मांग करना पड़ेगा कि मुख्यालय में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। पद्मेश न्यूज से चर्चा में पालक निशा पारधी विनोद धामड़े ने बताया कि लालबर्रा में ही सीएम राइज स्कूल बनाए जाए, तभी बच्चों को आगे पढ़ाएंगे, लेंडेझरी में बच्चों को नहीं भेजेंगे। और हमारे बच्चे पहले गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन लालबर्रा में सीएम राइज स्कूल खुलने के कारण हमने अपने बच्चों का एडमिशन एक्सीलेंस में करवाया ताकि बच्चों को आगे भविष्य में सब सुविधाएं मिले, इसलिए यहाँ पे एडमिशन कराया गया। और अगर यहाँ पे सीएम राइज स्कूल नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, चाहे वो अनपढ़ रह जाए। हमारी एक ही मांग है कि लालबर्रा में ही सीएम राइज स्कूल रहे। क्या है, लालबर्रा जो है हृदय स्थल कहलाता है, और लालबर्रा क्षेत्र जो है सभी ग्रामों का एक सेंटर है। यहाँ पर जैसे ही मालूम चला कि सीएम राइज स्कूल खुल रही है तो मैंने अपने बच्चे को वैदिक कॉन्वेंट से निकाल करके यहाँ पे एडमिशन करवाया। इसलिए करवाया क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं पटा पा रहा था। कई बार बच्चों को मास्टरों के द्वारा परेशान किया जाता था कि आपको फ़ीस पेड करना है और नहीं तो फिर तुमको आना नहीं है, ये सब मानसिक परेशानियाँ बनती थी। और सरकार ने जो लालबर्रा में सीएम राइज स्कूल जो खोलने का फैसला किया, मैं उसका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। लेकिन अभी जब रात में मुझे जानकारी लगी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कि सीएम राइज जो स्कूल है लेंडेझरी जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बच्चों के साथ जो राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और ये लालबर्रा में अगर सीएम राइज स्कूल स्थापित नहीं हुई तो इसका हम सड़कों पर आके चक्का जाम तक करने मजबूर होने को व्यस्त होना पड़ेगा। उत्कृष्ट विद्यालय प्रभारी प्राचार्य बीएल चौधरी ने बताया कि सीएम राइज स्कूल के लिए लालबर्रा उत्कृष्ट विद्यालय को चयनित किया गया था और बच्चों के प्रवेश होने के साथ ही तैयारी भी कर ली गई थी, किंतु शासन स्तर पर स्थान परिवर्तन कर लेंडेझरी स्कूल का चयन किया गया है। पालक गणों ने ज्ञापन सौंपा है, उच्च अधिकारियों को यह ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। ये पूर्व में तो उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में ही सीएम राइज विद्यालय खुलने का था, पर अभी जो सूची प्राप्त हुई है सीएम राइज विद्यालय की चयन सूची, उसमें लालबर्रा का नाम नहीं है। अब क्यों नहीं है, कोई क्या त्रुटि है, अपने को उसकी जानकारी नहीं है। तो इस स्थिति को लेकर कई अभिभावकों को शायद ऐसा लगा कि यहाँ सीएम राइज विद्यालय यहाँ से हट गया है, लेंडेझरी चला गया है इसी ब्लॉक में, तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के वो विद्यालय आए थे, हमको उन्होंने इस संबंध में कि सीएम विद्यालय यहीं रहे, सीएम राइज विद्यालय, इस बाबत ज्ञापन सौंपा है। क्या प्रयास किए जाएंगे सर आपको? हम अपने शिक्षा अधिकारी महोदय को इस बारे में अवगत कराएं, आज ही पत्र भेज देते हैं, जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है। सर, सीएम राइज के पूर्व 1 से लेके 12 तक हमारे पास लास्ट ईयर संख्या 870 थी, इस बार 1370 के आसपास है। तो सीएम राइज विद्यालय खुलने की वजह से संख्या भी बढ़ी सर, दर्शन संख्या। सीएम राइज जब भविष्य में ओपन होता है तो संख्या और बढ़ सकती है। जरूर बढ़ेगी।